हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग पैक बताने वाली हूँ। स्किन वाइटनिंग इन द सेंस स्किन का रंग को निकालना और स्किन को क्लीन और स्पॉटलेस बनाना। तो आज मैं आपको गेहूं का आटा के इस्तेमाल से स्किन को क्लीन, क्लियर और स्पॉटलेस और रंग को कैसे निकाल सकती हो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। क्योंकि ये रेमेडी बहुत पुराने से पुराने घरेलू नुस्खा है, क्योंकि इससे अपना स्किन का कलर चेंज होगा और टैन भी रिमूव होगा, तुरंत रिजल्ट आ जाती है। अगर आप पार्टी जाना है, फंक्शन जाना है, तो आपको फेशियल का टाइम नहीं है, तो इस पैक को आप 15 मिनट 20 मिनट पहले अप्लाई कीजिए। इसके बाद आप मेकअप भी वेयर कर सकते हो, इसे मेकअप फ्लॉलेस भी आएगा और स्किन भी क्लीन, क्लियर और यंग रहता है। और ये पैक एंटी एजिंग पैक की तरह भी काम करता है, क्योंकि गेहूं का आटा खाने के लिए नहीं, ये अपना स्किन के लिए भी बहुत अच्छा फायदा देता है। क्योंकि इसमें मिनरल्स भी रहते हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रहता है, क्योंकि ये चेहरे के ऊपर अप्लाई करने से स्किन ब्राइटनिंग होगा, टाइटन होगा। अगर आपके रिंकल्स का प्रॉब्लम है, लूज स्किन का प्रॉब्लम है, तो इस पैक को अप्लाई करने से स्किन टाइट कर देती है, ब्राइट कर देती है और साथ ही सॉफ्ट शाइनी स्मूथी बना देती है। सॉफ्ट शाइनी ब्राइट एंड स्मूथ स्किन के लिए इस पैक को आप लोग जरूर घर में ट्राई करें। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। अभी एक बॉल में गेहूं का आटा लेना चाहिए। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ, 2 छोटे चम्मच। अब बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है तो इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है गेहूं का आटा, में हमें कच्चा दूध ऐड करके मिक्स करना है। आप इसमें वाटर ऐड मत कीजिए, खाली दूध ऐड करके लिक्विड जैसा मिक्स करना है, क्योंकि इसमें दूध ऐड करने से जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ इस पैक को इमिडिएटली बना के अप्लाई कीजिए, क्योंकि गेहूं जो है, गेहूं का आटा में पानी डाले या दूध डाले, जल्दी ये ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि ये पैक को जल्दी मिक्स कीजिए, जल्दी मिक्स करके आप अप्लाई कीजिए तुरंत, तभी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मैं इसमें सिर्फ दूध ही ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। मैं इसमें ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि अब वीडियो कंप्लीट होने तक ही ये ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करके दूध मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह मिक्स करना है। इसके बाद दूध और गेहूं का आटा इक्वल क्वान्टिटी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमें ऐड करना चाहिए 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ हनी ऐड करना है। ये अपना स्किन को ब्राइट कर देता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके क्लीन और सॉफ्ट बना देता है। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप इसमें टोमेटो का रस भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह मिक्स कीजिए। इसके बाद इसको अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो इस पैक को आप साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। इस पैक को अप्लाई करने के पहले चेहरे को फेस वॉश या साबुन से अच्छी तरह वॉश कीजिए। इसके बाद इस पैक को अप्लाई करें। अपना आंखों के नीचे अंडर आई एरिया छोड़ के पूरा फेस के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि अंडर आई एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो थोड़ा पैक्स अंडर आई एरिया के नीचे अप्लाई करने से अंडर आई एरिया का स्किन जो है लूज होने के चांसेस है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ आप अंडर आई एरिया छोड़ के पूरा फेस और नेक के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये अपना स्किन को टाइटन ब्राइटन का बना देती है और इसमें हनी भी है। हनी स्किन का ब्राइटनेस को इम्प्रूव करता है, साथ ही स्किन का टेक्सचर को भी बढ़ाता है। ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसमें मैं जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुकी हूँ, सारे घर का इंग्रेडिएंट्स है, घरेलू इंग्रेडिएंट्स है। इससे अपना स्किन जो है क्लीन, हेल्दी रहता है, साथ ही किसी तरह साइड इफेक्ट्स नहीं रहता है, क्योंकि घरेलू इंग्रेडिएंट्स से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, साथ ही आप लोगों को फ़ायदा ही होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ इस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करें, इससे अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप जब भी फ्री टाइम मिलता है, तब भी आप बाहर जाना है, कहीं पार्टी फंक्शन जाना है, तो तुरंत इस पैक को बना के यूज़ कर सकते हो। इस पैक को ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई करके ये ड्राई होने के लिए 10 मिनट तो टाइम पकड़ता है, 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। इसके बाद चेहरे को स्क्रब करते वक्त, मसाज करते वक्त सर्कुलर मोशन में इस पैक को रिमूव कीजिए। इससे स्किन टाइट होगा, ब्राइट होगा और साथ ही ग्लोइंग भी हो जाएगा। इसके बाद चेहरे को एक अच्छे सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। इससे स्किन सॉफ्ट होगा, इवन होगा और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। सो ये था आज की मेरी वीडियो। इस वीडियो आप लोगों को पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।